स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वर्ल्ड कप शुरू होने में अभी कुछ समय है, पर आज से नहीं, काफी समय पहले से इस भारतीय टीम को एक बड़ा दावेदार माना जा रहा है उस वर्ल्ड कप के लिए। युजवेंद्र चहल हैं हमारे साथ, जो शायद से विराट कोहली और करोड़ों भारतीयों की आशाओं का बोझ भी उठाना पड़ेगा उस वर्ल्ड कप के लिए जो भारतीय टीम ने 1983 में जीता था, 2011 में जीता था, और शायद से इस बार युजवेंद्र आप उस इतिहास का आप भी एक हिस्सा बन सकते हैं। नहीं, जिस हिसाब से हमारी इस टाइम टीम है, आई थिंक सबसे देखा जाएगा एक कंप्लीट टीम है, चाहे आप बैटिंग ले लीजिए, चाहे मिडिल ऑर्डर हो, चाहे स्पिनर डिपार्टमेंट हो, चाहे पेसर डिपार्टमेंट हो, क्योंकि आई थिंक हम हर जगह खेले हैं और हम जीते हैं। और आई थिंक एक ही सीरीज़ जो हमारे यहाँ जो 2-1 जो हम इंग्लैंड में हारे थे, लेकिन वो भी एक क्लोज सीरीज थी। पर आई थिंक मैं कहना चाहूँ कि आई थिंक ये परफेक्ट टीम है जो वर्ल्ड कप वापस ला सकती है। अच्छा, विराट कोहली ने एक इंटरव्यू दिया था हमें कुछ समय पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी इस टीम का कोर हिस्सा है, सब कॉन्शियस माइंड में उसके चल रहा है, उसको पता है कि मुझे वर्ल्ड कप में क्या करना है, कैसे करना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल था, एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस था आप लोगों का, जिस हिसाब से टीम बनाई है, जिस हिसाब से अपने बैलेंस की बात करी, जिस टीम का बैलेंस बन के दिख रहा है। नहीं, आप देखोगे जो भी इसमें खेले कम से कम वो 40-50 मैच खेल चुका है, और कई 10-10 साल से खेल रहे हैं, मेरे को कुलदीप को भी 1-1 साल हो गया है, मतलब हम भी 40 मैच खेल चुके हैं। तो एक प्रोसेस था, और अब देखोगे अब जो एक 15 आप बिल्कुल रेडी हैं, मतलब जो भी होंगे सिलेक्ट, 15 रेडी हैं, मतलब जो भी है, मतलब जितने 15-16 जो भी हैं, हमें 12-13 का तो हमें पता है कि आप लोग 12-13 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो अपने आप को खुद सिलेक्ट करते हैं उस टीम में, हालांकि 1-2 नाम में अभी भी शायद से गुंजाइश है, सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी। पर आपने वर्ल्ड कप की बात करी, अपनी बात करी, कुलदीप की बात करी, पिछले 1 साल से जिस हिसाब से आप लोगों का प्रदर्शन रहा है, कोई एक ऐसी टीम नहीं दिखी है जिसने आप लोगों को कन्विंसिंगली खेला हो। न्यूजीलैंड में हमने देखा जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो आपकी बॉलिंग में, आपकी जो फ्लाइट देते हैं आप, छोटे ग्राउंड्स हैं, न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हम जानते हैं वो बड़े हिटर्स हैं, वो कॉन्फिडेंस कैसे 1 साल में जो आया है आप लोगों? नहीं, देखिए मैं चिंजा स्वामी में खेल चुका हूँ, छोटा ग्राउंड है जी। तो एक जो डर था रन लगने का वो खत्म हो चुका है, और एक अच्छी बात लगती है कि बैट्समैन जब आप पे अटैक करता है तो विकेट लेने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे, हम भी बाहर होंगे, वो भी बाहर होंगे, तो प्रेशर बैट्समैन पे भी होता है, उसने भी रन बनाना है। तो उस टाइम आप बैट्समैन से कैसे खेलते हो वो ज़्यादा मेन रहता है, क्योंकि आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़ता है। छोटा ग्राउंड है, चांसेस हैं रन लगने के, लेकिन उसी छोटे ग्राउंड में आप देखो विकेट भी सबसे ज्यादा ही मिलती हैं। और फिलहाल वर्ल्ड कप अभी कुछ समय दूर है जैसे हमने कहा, पर उससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, भारत में आ रही है, आप लोगों का जिस हिसाब से प्रदर्शन रहा है, इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से क्या आप देखना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज? एक अच्छी तैयारी है वर्ल्ड कप से पहले, 7 मैच है, फिर उसके बाद IPL है, और फिर उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप ही है, कोई बीच में कोई रेस्ट नहीं है, ना कोई सीरीज़ है। तो ये 7 मैच एक ऐसे हैं कि मतलब आप जो आपने अब तक किया है वो आप इसमें पूरा दिखा सकते हैं, कि आपको अगर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करना वो आप कर सकते हो। तो एक अच्छी सीरीज़ है जाने से पहले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी टीम भी नहीं है, थोड़ा सा उनके सीनियर प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनके 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, हाँ, आपके वो एक कॉन्फिडेंस होगा, आज आप घर पे खेल रहे हो, प्रेशर वो घर पे ही वैसे ही आए हैं, और इंडिया को घर में हराना कोई वो नहीं है कि हम एक भी सीरीज नहीं आ रहे हैं। अच्छा यूजी, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा एक टाइम पे बहुत बड़े बॉलर होते थे, उन्होंने भारत को बहुत मैचेस जिताए हैं, जिस हिसाब से आपने और कुलदीप ने इस टीम में आए हैं और दो बड़े स्पिनर्स को आपने बाहर किया है, वो एक काबिले तारीफ है, और ये भी बताता है कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ कैसी रही है, जिस हिसाब से आप दोनों निकल कर आए हैं, आपने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है, तो ये क्या है, ये कॉन्फिडेंस है, स्किल्स हैं जो आपने डेवलप करी हैं, क्या बदला है पिछले, जैसे आपने बताया 1 साल पहले कैसे थे आप और इस टीम में आने के बाद क्या, और पिछले अब हम देखते हैं आप एक कोर, इस कोर टीम का एक हिस्सा बन चुके हैं। नहीं, काफ़ी उससे पहले मेन टीम से आने पहले जो 2016 में डेब्यू हुआ था, उसके बाद फिर मैं नहीं खेला, लेकिन IPL में कंटिन्यूसली खेल रहा था, और उसमें 2015-2016 सेकेंड थर्ड पोजिशन पर भी रहा बॉलिंग विकेट में।
तो एक कॉन्फिडेंस वहां से आता गया, क्योंकि एक जो प्रेशर होता है इंडिया खेलने से पहले वो एक थोड़ा ये होता है, इतना ज़्यादा क्राउड होगा, क्या प्रेशर क्या होगा, तो वो एक आईपीएल से निकल जाता है, क्योंकि आप खेल चुके हैं और कंटिन्यूसली आपको 14 मैच खेलने पड़ते हैं, तो वो एक प्रेशर धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म हो जाता है। फिर आपको सीधा जो फोकस रहता है वो सिर्फ अपनी बॉलिंग पे रहता है कि क्राउड क्या देख रहा है और क्या प्रेशर है, तो वो एक माइंड हट जाता है। तो फिर आप जब आप पूरा अपने स्किल्स पे सोचते हैं तो आपको पूरा ध्यान रहता है कि एक कंसंट्रेट करते हैं बैट्समैन की तरफ ही, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है मुझे। मैंने काफ़ी रन भी खाए हैं, लेकिन मेरे को ये है कि मेरे को विकेट भी मिला है। अगर 10 में से मैं 2 मैच में बुरा करता हूँ तो आई एम हैप्पी, पर मेरे को 8 मैच में मैंने अच्छा किया है। तो एक कॉन्फिडेंस मैं पीछे से लेके आया था जब मैं इंडियन टीम में आया था, फिर काफ़ी सपोर्ट भी मिला जैसे श्रीलंका सीरीज से, फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज से। तो जैसे जैसे खेलता गया फिर एक वो मैच्योरिटी लेवल आता गया, क्योंकि मैंने जिनके अगेंस्ट खेला मैंने उनको आईपीएल में बोल डाला है, तो मेरे लिए वो कुछ नई बात नहीं थी, बस जर्सी चेंज हुई थी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा था। तो वो प्रेशर आपने वो कैसे अपने आप को मेंटेन करना है कि ज़्यादा हावी ना हो, तो मैंने उस पर भी वर्क किया। अच्छा, हम अक्सर लोगों से ये पूछते हैं कि यार किसी ने धोनी की कप्तानी में खेला होता है, किसी ने विराट कोहली की कप्तानी में खेलता है, सौरव गांगुली की कप्तानी में, बट आपने तो खैर विराट कोहली की कप्तानी में इतना खेला हुआ है, चाहे वो अपनी फ्रेंचाइजी से हो, भारतीय टीम के साथ। तो विराट कोहली एज कप्तान कैसे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि वो ऐसा है कि बस वो जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, वो अग्रेशन दिखता है, वो कमिटमेंट दिखता है। तो एज कप्तान आप विराट कोहली को कैसे बताएंगे और आपके लिए कैसे रहे हैं? मैं जब भी उनके अंडर खेला हूँ तो मेरे को तो जैसे एक एक कहते हैं खुली छूट मिलना कि आप अपनी तरह से बोल डालो, फिर उसके बाद प्लान नहीं करेगा, फिर हम देखेंगे, लेकिन आपको जो फील्ड चाहिए या आपको कुछ भी करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, आप अपने कैप्टन हो अपनी फील्ड के, तो वो हमेशा, चाहे वो रवि सर हो मैनेजमेंट साइड हो या रोहित भैया माही भाई, हमको वो चीज़ मिलती है कि मतलब अब फिर उसमें क्या है कि आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि आपकी उस फील्ड पे आपको रन लग गई या फिर आपको फिर ऐसा अगले मैच में नहीं मिलेगा। पहली प्रायोरिटी वो हमें देते हैं, और एक वो काफ़ी उससे कॉन्फिडेंस आता है कि आप खुद ही कप्तान हो अपनी बॉलिंग के। बड़ी बात है। और विराट आपको बोलते हैं कि अगर रन पड़े तो पड़े, कोई बात नहीं, आप कराओ जैसे कराना है। हाँ, उनका रहता है कि आप 10 में 70 भी दे दो लेकिन 3 विकेटें मिल रही हैं, आई एम हैप्पी, क्योंकि अगर हम मिडिल ओवर में 3 विकेटें मैं निकाल लूँ, 3 विकेटें कुलदीप निकाल ले, तो अगर 3 ओवर में दूसरी टीम 200 भी है, अगर वहाँ पे 7-8 आउट है, तो वो 230-240 से ज़्यादा रन बना नहीं पाएगी। जो मोर ऑफन देन नॉट हो ही जाता है जब आप और कुलदीप सामने होते हैं, क्या है आप दोनों की ये जोड़ी का क्या राज क्या है? बोलते हैं कुलचा, बोलते हैं कोई, बोलते हैं चाकू है ये दूसरों के लिए, ओपोनेंट्स के लिए, क्या है ये राज क्या है आप दोनों जब एक साथ आते हैं? सिर्फ रिस्पिनर्स हैं या स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, या ऑपोजिशन के दिमाग में खौफ बैठ चुका है कि यार ये तो मतलब ऐसे गेंदबाज हैं जो एक साथ खेले नहीं जा सकते? थोड़ा जैसे कोई बैट्समैन अगर फॉर्म में होता है तो थोड़ा प्रेशर हम पे भी रहता है, ऐसे ही आई थिंक मेरे को लगता है कि बैट्समैनों पे भी रहता है जब मैं और कुलदीप डालते हैं, क्योंकि दोनों विकेट टेकिंग है और दोनों का वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा है, तो बैट्समैन के कहीं ना कहीं माइंड में अब हो गया है कि इन दोनों को खेल रहे हैं तो या तो इन पर अटैक करके जीता जाए या अपन कोई ओवर निकाल दिया जाए, तो उसमें हमारे ऊपर एक एक फ़ायदा हो जाता है कि बैट्समैन एक पॉजिटिव वे में नहीं खेल रहा, वो बचने के लिए खेल रहा है, तो हमारा और अच्छा फायदा होता है, हमें पता लग जाता है कि बैट्समैन ये हमें नहीं मारने वाला, तो हम उस पर और ज़्यादा अटैक करते हैं। तो मैं वही बात कुलदीप मुझसे बोल देता है, मैं कुलदीप को बोल देता हूँ कुलदीप ये ऐसे कर रहा है, इसको इस टाइम पे ज़्यादा गुगलियाँ डालेगा तो आउट हो जाएगा। अच्छा, आपने बोला कि भाई हम अपनी गेंदबाजी के खुद ही कप्तान होते हैं, पर हम देखते हैं पीछे स्टंप माइक पे बहुत सारी हमें आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं महेंद्र सिंह धोनी की। वो क्या है, वो बताते हैं आपको, सजेस्ट करते हैं, या उनके मतलब, क्योंकि हमने देखा है कि उनके वो अपने इंस्टिंक्ट्स पे बहुत जाते हैं, और उन इंस्टिंक्ट्स पे हमने बहुत पारियां भी देखी हैं, मैचेस भी देखे हैं, डिसीजंस भी देखे हैं। आप लोगों के साथ क्या है, पीछे से एक गाइडेंस मिलती है या क्या है? बॉलिंग आने से पहले वो सबसे क्लोजली वही देख रख उन्होंने देखा होता है विकेट, और अगर वो पहले बैटिंग कर चुके हैं तो उन्हें पता है पेस पे कैसा है, तो एक एक्सपीरियंस से पता भी लग जाता है कि यार ये बैट्समैन ऐसे खेलने वाला है। जैसे अभी लैथम का विकेट था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तो फुल डालता रहे, इसके बाद एक ही स्वीप उस पर विकेट मिलेगा, तो मेरा वही, तो उसने मेरे को 3 स्वीप मारे लेकिन चौथी भी वो आउट भी हो गया, तो उनको पता होता है वो, और हमारा काम आसान हो जाता है, 50% मेरा कुलदीप का आसान हो जाता है, वरना आप आते हो 1-2 ओवर आप देखते हो कि विकेट ऐसा चल रहा है या वैसा कर रहा है, तो हमें पहले ही बताया था कि इस विकेट पे इतना पेस से बॉल जा रहा है तो आप तो ऐसे मिक्स करके डाल सकता है, तो फिर हम जब बॉलिंग करने आते हैं तो हमारा ध्यान सीधा कुछ कहीं और होता है,
ये नहीं होता कि हम एक ओवर देखें कि विकेट पे क्या हो रहा है। दो सीनियर प्लेयर्स विराट कोहली और MS धोनी दोनों ऐसा दिखते हैं कि बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज हैं। कैसे मजा आता है ऐसी पर्सनालिटीज के साथ रहने में, या एडजस्ट करना पड़ता है, या बहुत सोच समझना के डील करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस टीम में एक खास बात यह है, जो कितना भी सीनियर हो, कोई अगर नया लड़का आता तो उसे पता नहीं लगता कि वो इतने सीनियर कर रहा है। एज ए जूनियर हम अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन हम फन भी उतना करते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि हमें इतने बड़े सीनियर का हमें मजाक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो एक जो बीच में एक दायरा है वो इंडियन टीम में नहीं है कि आप कहीं भी किसी के पास भी बात करने जा सकते हो, आप मस्ती कर सकते हो, ऊपर नीचे सब किसी खिंचाई भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वो सीनियर है तो आप उनसे मस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि जब T20 फॉर्मेट आया था तब लोगों ने बोला था कि यार ये तो स्पिनर्स के लिए सुसाइडल हो जाएगा, पर आप लोगों ने, स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स की मैं बात करूंगा, रिस्ट स्पिनर्स ने दिखाया है कि T20 फॉर्मेट जो है वो स्पिनर्स के लिए एक्चुअली, अगर आप में स्किल्स हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने किया है। और ऑस्ट्रेलिया अभी सीरीज होगी, पहले दो T20s हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वही अग्रेशन, वही इंटेंट हमें दिखेगा ऑस्ट्रेलिया? क्या हो सकता है कि यार आप थोड़ा वर्ल्ड कप के लिए हम देख सकते हैं कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है भी शायद से दो चार प्लेयर्स और हों, कि आप एक्सपेरिमेंट्स फिर भी करना देख सकते हैं? कोई भी खेले तो इंटेंट वही रहेगा जो हम पहला मैच खेलें या आखिरी मैच खेलें, क्योंकि इन द लास्ट आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चाहे प्रैक्टिस मैचों की तरह हो, लेकिन एक सीरीज़ है और वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहले बहुत हारे हैं, अब उनको हराने का टाइम चालू हो गया है। अच्छा ये बताइए कि अगर ऑस्ट्रेलिया, अभी फिलहाल हम ऑस्ट्रेलिया से जिस हिसाब से आया कॉन्फिडेंस होगा इस टीम में, अगर हम बोले कि भाई युजवेंद्र चहल वर्ल्ड कप में हमें क्या करके देंगे, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोशिश तो सीधा यही है कि वर्ल्ड कप वापस लेके आए, चाहे वो मेरी परफॉर्मेंस से आए या किसी और के से आए। लेकिन कोशिश जो 15 जा रहे हैं उनकी यही है कि जो आई थिंक 14 जुलाई को फाइनल हो रहे हैं लॉर्ड्स में, तो वहाँ पे एक जो ट्रॉफी है वो अपनी टीम के हाथ में रहे। अच्छा हाथ की मैंने देखा, तो मैंने हाथ में देखा काफी सारे टैटूज भी हैं। आपने बताया कि इस टीम में आप लोग मस्ती मजाक भी करते, टैटूज का क्या राज है? बहुत मतलब विराट कोहली, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, आप हो गए, सब में देखते टैटूज का बड़ा जोश, वो फैशन सा चल रहा है। बचपन में था तो दोष तो था कि दो चीज़ करनी, एक तो पियर्सिंग का था और एक टैटू का था। ये पहला पहला टैटू है, पीछे एक था, तो ये मेरे लॉर्ड शिवा है, मैं काफ़ी मांगता हूँ इन्हें, तो ये पूरा मंदिर की तरह बना रखा है। कितने टैटूज हैं आपके अभी? मेरे 1, 2, 3, 4। 4 टैटूज। अच्छा एक ऑन ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी पीछे 14 फरवरी को एक बहुत एक अटैक हुआ था पुलवामा में भारतीय CRPF जवानों के अगेंस्ट, भारत को मैनचेस्टर में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलना भी है, कैसी फीलिंग्स रहती हैं? क्योंकि अभी एशिया कप भी हुआ था, हमें लगा था कि यार अब इंडिया पाकिस्तान में वो हाइप नहीं होती है, आपको लगता है कि भारत को मैच खेलना चाहिए? क्योंकि हरभजन सिंह ने कहा है कि यार आप छोड़ दो मैच, जवान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार हम वो मैच खेलें, जीतें, उनको हराएं और ये डेडिकेट करें उन जवानों के नाम जो उस दिन शहीद हो गए? देख, वो जो ये फैसला है कि ये BCCI को करना है, इसमें अगर हम एक प्लेयर की मर्जी है खेलना तो वो नहीं होगा। लेकिन जो भी ये चीज़ चल रही है तो सीरियसली मतलब इस पर एक कड़ा कहते कदम लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया है। अब इतना सहन नहीं हो रहा कि हर आप 3 महीने बाद आप देखेंगे वहाँ पे 40 मर रहे हैं, 50 मर रहे हैं, और उसके बाद हम वेट करते रहें कि नहीं अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। आई थिंक ये हाई टाइम है, अब तो मैं मानना कि आर पार की लड़ाई देखी जाएगी, अब नहीं रुकना। क्या बात है, बड़ी बात है, एक भारतीय क्रिकेटर ने ये बात कही है कि जिस हिसाब से इमोशंस दिखते हैं, सेंटिमेंट्स दिखते हैं भारत के, पर जाते जाते मैं दो सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, बिल्कुल आ रहा और दूसरा सवाल आप ये बताइए मुझे कि मैंने इंटरव्यू ठीक लिया आपका, क्योंकि आप तो अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। हालांकि चहल के इंटरव्यू का एक उन्होंने एक बेंचमार्क बना रखा है, मेरे ख्याल से MS धोनी ने ही बनाया था वो बेंचमार्क, कि भाई जिसने अगर 5 विकेट लिए या सेंचुरी मारे वही आएगा। वो विराट भैया ने बोला था, पर माही भाई जी को मैं पूरा कोशिश करता, पर माही भाई जिस पोजीशन पे आते हैं वहाँ पे 100 रन बनाना और विकेट तो होता नहीं, पर उनको कोशिश करता हूँ खींचने की। तो शायद आप
वर्ल्ड कप में देख लो, एक आधे इंटरव्यू में आ जाएंगे वो। क्या बात है। कभी MS धोनी को प्रेशर में देखा है? नहीं, वो दिखाते ही नहीं है, अगर वो होते हुए हैं तो उनके चेहरे से पता ही नहीं लगता वो प्रेशर में है। यूजी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। और जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड कप वापस आ रहा है, पर साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात आगे बढ़ने चाहिए। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ राहुल रावत, दिल्ली आज तक।